एक्ट इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी भी समुदाय के रिलीजियस प्लेस के नेचर को और कैरेक्टर को तब्दील किया जाए। मैं एक मस्जिद को खो चुका हूं, दूसरी मस्जिद को नहीं खोना चाहूंगा। मैं नमस्कार, मैं निधि मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लंबे समय से धर्म की नगरी काशी में, जहां एक और काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। लगातार तमाम तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां एक और एक समुदाय की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये फुहारा है, कहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो ज्ञानव्यापी मस्जिद में मिला है वो शिवलिंग है। इस पर लेकर लगातार विवाद चल रहे हैं, तारीख पर तारीख आ रही है, अदालत का फैसला। और इन सब के बीच जो तस्वीरें वायरल हुई हैं, क्योंकि सर्वे के दौरान जिस तरह की वीडियोग्राफी की गई, उसके बाद जो तस्वीरें वायरल हुई, उन तस्वीरों में काफ़ी कुछ साफ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इन सबसे बीच, इन सब के बीच सबसे बड़ी बात ये कि आखिर कहने के बावजूद जो जज ने जब जिस तरह का निर्णय लिया था कि ये जो सर्वे की जो रिपोर्ट है, ये तस्वीरें हैं, ये कहीं वायरल नहीं होंगी जब तक कुछ फैसला नहीं आ जाएगा। ऐसे में तस्वीरें भी वायरल हो चुकी हैं और अब जो इस समय चल रहा है वो ये कि जहाँ एक और ये विवाद लगातार तूल पकड़ रहा है, जहाँ तमाम तरीके की तस्वीरें, चाहे हम हिंसक तस्वीरें सामने देखते हैं, और फिर वहाँ पर एक और तस्वीर सामने आई है जहाँ पर कुछ हिंदू समुदाय के लोग यानी कि पूजा पाठ करना चाहते हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि भाई देखिए, जो ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो फुहारा मिला है, जिसको आप फुहारा कह रहे हैं, वो फुहारा नहीं है, वो शिवलिंग है। लेकिन जो शिवलिंग मिला है उसकी वो पूजा अर्चना करना चाहते हैं। ऐसे में अभिमुक्तेश्वरानंद जो संत हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद उन्होंने इस बात की ज़िद भी की है कि देखिए, मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने पूजा अर्चना की बात कही है क्योंकि मैं करना चाहता हूँ, और जो शिवलिंग वहाँ पर मिला है वो पूजा, उसकी मैं पूजा अर्चना करूँगा। और इस बात का विरोध भी किया गया क्योंकि मौके पर देखते हुए, क्योंकि कई तरीके के जो विवाद भी सामने आ सकते हैं, ऐसे में पुलिस फोर्स वहाँ पर जमकर तैनात है, कई तरीके की तस्वीरें, किसी तरह का विवाद ना हो इसलिए वहाँ पर सुरक्षा जो है टाइट कर रखी है। लेकिन ऐसे में वो पूजा अर्चना करना चाहते हैं और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि देखिए भाई, जब हम किसी को पूजा करने निकलते हैं, किसी की पूजा करने निकलते हैं, तो जब तक वो पूजा सम्पन्न नहीं हो जाती है तब तक हम भोजन ग्रहण नहीं करते। अनशन पर बैठ गए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं छोटी सी झलक दिखाते हैं। एक व्यक्ति जा रहा है तब भी हमको रोक लगाई जा रही है। भारत देश में सनातन धर्म एक फ्रेम बना ले इतना पत्थर का हो ले उत्तर प्रदेश में काशी नगरी में भगवान विश्वनाथ के स्थान पर भगवान प्रकट होकर के दर्शन आपको दे रहे हैं, लेकिन आपको पूजा करने का अवसर नहीं मिलता। एक व्यक्ति जा रहा है तब भी हमको रोक लगाई जा रही है। भारत देश में सनातन धर्म बना ले इतना पत्थर का हो ले उत्तर प्रदेश में काशी नगरी में भगवान विश्वनाथ के स्थान पर भगवान प्रकट होकर के दर्शन आपको दे रहे हैं, लेकिन आपको पूजा करने का अवसर नहीं मिलता। तो ये वहाँ पर जो पूजा अर्चना की जो जिद पकड़े हुए हैं कि हालांकि जो पुलिस फोर्स है वो लगातार कह रही है कि जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता, जब तक कोई सुनवाई नहीं आ जाती, इस तरह का कोई भी प्रकरण नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से हिंसा भड़क सकती है। लेकिन जहां एक और भावनाओं की बात आ जाती है और तमाम तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं, ऐसे में जो जिद करने का जो उनका तरीका है, अनशन पर बैठ कर उन्होंने जिद किया, लेकिन आगे कैसे क्या होगा, क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत सबसे गहमा गहमी मची हुई है, जहां एक और विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। परिणाम आप सभी के सामने है कि भारतीय जनता पार्टी ने 37 साल बाद एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। लेकिन ऐसे में जो उपचुनाव हैं वो भी होने हैं, उपचुनाव होने हैं आजमगढ़ और रामपुर में। जी हाँ, जहाँ एक और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की सीट से सांसदी पद से इस्तीफा दिया था, ऐसे में क्योंकि सांसदी पद जो है खाली हो जाता है, सेम उसी तरह का जो प्रकरण है वो रामपुर में भी देखने को मिलता है। आजम खान ने इस्तीफा दिया था और विधायकी चुनी थी, ऐसे में आजमगढ़ और रामपुर दोनों की ही सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने हैं। लगातार समय समय पर किसी न किसी के नाम सामने आ रहे हैं, और जहाँ पर समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि डिम्पल यादव और कई तरीके के नाम सामने आ रहे थे, जहाँ पर डिम्पल यादव, रमा
चंद्रकांत यादव ऐसे में जो नाम सामने आ रहे थे उन सब पर विराम लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने ऐसा औपचारिक रूप से नहीं लेकिन हाँ ये है कि बलिहारी के बेटे सुशील आनंद पर जो है मोहर लगा दी है कि सुशील आनंद हो सकता है कि आजमगढ़ से सपा के उम्मीदवार हो विधानसभा में उपचुनाव में। वहीं जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो आजमगढ़ में ही जहां 2019 में हमने तस्वीर देखी थी कि निरहुआ और अखिलेश यादव में जो लड़ाई देखने को मिली थी लेकिन अखिलेश यादव जीत गए थे, निरहुआ हार गए थे 2019 में। फिर से ताल ठोक रहे हैं, फिर से तमन्ना जता रहे हैं कि मुझे फिर से सांसद बनना है। ऐसे में उनका नाम जो है भारतीय जनता पार्टी ने सामने रखा है, अब क्या कुछ होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ही शहरों पर, चाहे वो रामपुर हो चाहे वो आजमगढ़ हो, दोनों ही शहरों पर उम्मीदवार घोषित करते हैं। जहां निरहुआ को सामने रखा आजमगढ़ से, वहीं रामपुर से घनश्याम लोधी को सामने रख दिया है। लेकिन क्योंकि ये दोनों ही सीट उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है, 2024 का एक आईना दिखाने की कोशिश करेगी। उन सबके बीच जो सबसे ज़्यादा आज की सबसे ज़्यादा अपडेट जो देखने को मिलती है वो समाजवादी पार्टी में कार्यालय पर जिस तरह का माहौल देखने को मिला, काफ़ी गहमा गहमी का माहौल। और ये माहौल क्यों गहमा गहमी वाला वो भी हम आपको बता दें कि विधानसभा 2022 में जिस तरह से सपा के जो हारे हुए विधायक हैं, अब क्योंकि सब कुछ सामने आ गया है, सभी पार्टियों ने अपनी हार की समीक्षा कर ली है कि आखिर जो हार हुई है वो कहां पर, किन बूथों पर, किस कमज़ोरी के कारण हार हुई है। लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो है समीक्षा नहीं की थी, लेकिन अब उन्होंने समीक्षा की शुरुआत की है। और हालांकि ये जो मीटिंग है, ये जो बुलावा है सभी विधायकों को बुलाकर, एक छोटी छोटी चीज़ों पर बड़ी ही बारीकी से सबने एक रिपोर्ट बनाई है, वो सपा अध्यक्ष को सौंपेंगे और इस पर समीक्षा करनी भी बेहद ज़रूरी है कि आखिर किन बूथों पर कितनी कमज़ोरी रह गई थी, क्या कुछ ऐसा रह गया था। सभी वर्गों पर तालमेल करके ही अध्यक्ष जो है अपनी बात को बताएंगे कि आखिर 2024 की जो तैयारी है वो किस प्रकार से करनी है। क्योंकि अगर 2022 विधानसभा चुनाव अगर उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन लोकसभा चुनाव का भी चुनाव जो महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े बड़े मंत्रियों की, बड़े बड़े नेताओं की साख जो है जुड़ी हुई है। फिर चाहे वो काशी की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र हो, या फिर गोरखपुर की बात हो, मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो, या फिर आजमगढ़ की बात हो, अखिलेश यादव का क्षेत्र हो, बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर अपनी साख को जमा कर बैठे हुए हैं। लेकिन फिजा किस तरह बदलेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा जो गहमा गहमी देखने को मिल रही है वो चुनावों को लेकर मिल रही है, क्योंकि जहाँ पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हार की समीक्षा करके सारे हारे हुए विधायकों से रिपोर्ट मांग ली है और लंबी तादाद में, क्योंकि हारे हुए रिपोर्ट विधायक हैं, और इन सब से, इन सब की रिपोर्ट में क्या कुछ फैसला लेते हैं, क्या कुछ बताते हैं कि हार की समीक्षा किस तरह हुई है, हार की समीक्षा में क्या कुछ परिणाम निकले हैं, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।